बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, डॉलरों की परवाज एक बार फिर शुरू। भारत का एक और तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। इम्पोर्टेड सरकार के राज खुलने शुरू हो गए। तैयारा क्यों पाकिस्तान आया और उसमें कौन कौन था, अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये नून लीग का वतीरा रहा है कि मुल्क को बहरान से दोचार करने के लिए पाकिस्तान से डॉलर्स बाहर भिजवा दिए जाते हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट आने से पहले भी 15 अरब डॉलर पाकिस्तान से किस तरह से चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान से परवाज कर गए, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात मीडिया पर मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, अब क्या हुआ है कि इस इम्पोर्टेड सरकार को अपने बचने की तो उम्मीद बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। उसके बाद अब इस इम्पोर्टेड सरकार ने एक बार फिर उसी घनौने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। वो मंसूबा क्या है और किसके जरिए उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, इमरान खान के दौरे हुकूमत में भारत का कोई जहाज फनी खराबी पैदा होने की वजह से कराची या फिर पाकिस्तान के किसी और इलाके में नहीं उतरा। लेकिन जब से इमरान खान को घर भेजा गया, इन चंद महीनों के दौरान भारत के 3 जहाज फनी खराबी की वजह से कराची ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं और अब एक और चार्टर तैयारी ने कराची में ही लैंड किया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जहाज सिर्फ कराची में ही क्यों लैंड होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब आवाम के अंदर तशवीश पैदा होना शुरू हो गई कि आजकल भारत के जहाजों को क्या हो गया कि आए दिन किसी न किसी जहाज में फनी खराबी पैदा हो रही है। और परेशानी और सोचो विचार हर मुहिब्बे वतन शख्स को यही है कि वही जहाज क्यों फनी खराबी का शिकार हो रहे हैं जिनकी समत और परवाज कराची के इर्द गिर्द होती है। इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत में ये जहाज खराब क्यों नहीं हुए, क्या हुआ है कि आए रोज भारतीय जहाज फनी खराबी का शिकार होकर कराची में उतर रहे हैं और वो भी रात 12 बजे के बाद ही क्यों। दोस्तों, ये कोई मामूली चीज नहीं है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि कुछ ऐसी चीजें भी सामने आ चुकी हैं। 29 जुलाई को सहाफी शाहीन साहिबानी की जानिब से जारी होने वाले एक मरहलावार 2 ट्वीट्स में कहा गया कि मेरे मोतबर अंदरूनी जराए का कहना है कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने के चंद ही दिनों बाद अमरीकी डॉलरों से भरे 245 सूट केसों के साथ एक तैयारा कराची से दुबई रवाना हुआ था। कस्टम इंटेलिजेंस के जिस ऑफिसर ने इस मामले की इतला दी थी उसे फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि कस्टम ऑफिसर का नाम अब्दुल रशीद है और उसका ताल्लुक सिंध से है और उसे अप्रैल में उस वक्त बरतरफ किया गया जब उसने एक निजी तैयारी के 245 सूटकेसों के साथ दुबई परवाज करने की खबर दी थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हुकूमत की जानिब से तो ये कहा गया कि वो बिल्कुल मनगढ़ंत हकायक थे, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। तो दोस्तों, ये वो इल्जामात थे कि भारतीय तैयारे जो पाकिस्तान में लैंड करते थे उनके अंदर डॉलर पाकिस्तान से बाहर भिजवाए गए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की हुकूमत से 3 महीने के अंदर, इमरान खान की हुकूमत आने से 3 महीने पहले इन्होंने तकरीबन 15 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर भिजवाए थे, अब एक बार फिर वही सिलसिला शुरू हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि जब से भारत के जहाज कराची एयरपोर्ट पर उतरना शुरू हुए हैं तो उससे चंद रोज पहले एविएशन अथॉरिटी में कुछ बहुत ही अहम पोस्टिंग्स ट्रांसफर की गई थी। सो पाकिस्तानियों को इन फनी खराबियों को मामूली वाकया समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 5 जुलाई को भी भारतीय एयरक्राफ्ट SJ-11 SpiceJet 737 जो दिल्ली से रवाना हुआ, अचानक उसे किसी फनी खराबी की वजह से कराची लैंड करना पड़ा। बाद में पता चला कि उस जहाज की फनी खराबी तो दूर ना हो सकी, इसलिए उसमें सवार लोगों के लिए भारत से एक नया जहाज भेजा गया। लगता है कि नरेंद्र मोदी की 2-3 जहाजों की फनी खराबी को ये कहते हुए शह दे रही है कि कोई मसला नहीं, वहाँ पे अब अपनी ही हुकूमत है। और दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि भारत से आने वाले खसूसी तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई है। ये खसूसी तैयारा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची पहुंचा। हैदराबाद दक्कन से आने वाला तैयारा 12 मुसाफरों को लेकर दुबई रवाना हुआ। एयरपोर्ट जराए के मुताबिक तैयारे ने दोपहर 12:10 कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया था। सिविल एविएशन का मजीद कहना है कि ये बैन अल-अक़वामी चार्टर परवाज थी, भारत से आमद के सिवा इसका भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे कबल भी दिल्ली से दुबई जाने वाले भारतीय तैयारों ने कराची एयरपोर्ट पर जो इमरजेंसी लैंडिंग की थी उस तैयारे में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। और दोस्तों, ये दुबई जाने वाले तैयारे ही यहाँ पे लैंड क्यों करते हैं, अब इसके पीछे उस दावे के हवाले से कुछ काला काला नजर आ रहा है कि वाकई देयर इज समथिंग। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब इस तैयारे की पाकिस्तान में आमद और कराची में ही उतरना ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे चल जरूर रहा है।
इन 3-4 महीनों के अंदर भारत के 4 तैयारों को पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पर उतरना और वहां पर इन तैयारों के उतरने से पहले इंतजाम करना और कुछ अहम तरीन एविएशन के अंदर पोस्टिंग इस तरफ इशारा कर रही है कि कुछ ऐसा है जो हुकूमत की जानिब से छुपाया जा रहा है। और दोस्तों मुमकिन तौर पर एक बार फिर डॉलर की कीमत दोबारा ऊपर जा सकती है और ये ज्यादा दूर नहीं आने वाले चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हुकूमत को अंदाजा हो चुका है कि उनकी गवर्नमेंट ज्यादा अरसा नहीं रहने वाली। वो एक हफ्ते में 2 हफ्ते में कभी भी गिर सकती है, क्योंकि इमरान खान ने उनके लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। अब इसी वजह से पाकिस्तान से डॉलरों की परवाज जारी है ताकि आने वाली हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए और पाकिस्तान को अमली तौर पर दिवालिया करार दे दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 2018 में इमरान खान की हुकूमत के आने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किसी अखबारी खबर का अज खुद नोटिस लिया था, जिसमें कहा गया था कि बहुत से पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स बैरून ममालिक हैं, जिनमें मुसलसल पाकिस्तानी सरमाया मुंतकिल होता रहता है और इसी के सबब पाकिस्तान की मईशत डावाडोल रहती है, महंगाई के तूफान आते रहते हैं, गुर्बत और अफलास की शरह में इजाफा होता रहता है और पाकिस्तान गैर मुल्की कर्जों की दलदल में फंसता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की खबर 23 जून 2018 के रोजनामा डॉन और एक्सप्रेस के सफात में छापी गई थी। और दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि 26 मार्च 2018 को फाजल चीफ जस्टिस ने उस खबर का आज खुद नोटिस लेकर 12 मुआशी माहिरीन की एक कमेटी कायम की थी कि ये तहकीक करें कि 2016 और 17 में कितना पैसा मुल्क से बाहर मुंतकिल किया गया, जिस पर कोई इनकम टैक्स वगैरह अदा नहीं किया गया। दोस्तों 12 अराकीन की कमेटी में बड़े मोतबर और मारूफ नाम शामिल थे, जिसमें साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तारिक बाजवा, चेयरमैन FBR तारिक पाशा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मोहम्मद वकार राना, एडवोकेट इकरामुल हक, सेक्रेटरी खजाना आरिफ अहमद खान, साबिक वफाकी वजीर शब्बर जैदी, महमूद मांडवी वाला, बशीर अली मोहम्मद, तारिक पराचा, निसार मोहम्मद खान और सीनियर कानूनदान खालिद अनवर शामिल थे। दोस्तों माहिरीन ने 13 अप्रैल 2018 को रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में पेश की और उस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच ने की, जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद कर रहे थे। दोस्तों इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि सन 2016 और 17 में पाकिस्तानी शहरियों ने $15 अरब से जायद रकम गैर मुल्की बैंकों में भेजी और ये रकम बाकायदा जायज तरीकों से पाकिस्तानी बैंकों से दूसरे मुल्कों में भेजी गई थी। इसके अलावा बेकायदा और गैर कानूनी तरीके से जो रकम बाहर भेजी गई, जिसे हुंडी और हवाला कहा जाता है, वो रकम इस $15 अरब से भी ज्यादा थी। इस तहकीकती कमेटी को ये भी टास्क सौंपा गया था कि ऐसे तरीके बताए जाएं जिस पर अमल करके ये रकम बाहर के बैंकों से पाकिस्तान में लाई जा सके। और दोस्तों आपको पता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने से पहले उन्होंने जाते जाते एमनेस्टी स्कीम का कानून भी पास कर दिया था। $15 अरब जो कि बहुत बड़ी रकम होती है, 10 लाख का 1 बिलियन, 1 मिलियन का 1 बिलियन होता है, और अगर $15 अरब को 124 से जरब दें तो आज के पाकिस्तानी रुपए की शरह तबादला को देखें तो ये रकम बहुत ज्यादा बनती है, और इससे ज्यादा रकम अगर होंडी और हवाला के जरिए चोरी छुपे बाहर भेजी जाए तो सोचिए मामला कहां जा बैठता है। क्या यही वजह नहीं कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्की सरमाया बाहर मुंतकिल किया जा रहा है और डॉलर के नर्ख बढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी रुपए की कदर इतनी ज्यादा घट चुकी है कि महंगाई आसमान को छू रही है, 100 रुपए का नोट 10 रुपए से भी कम कीमत का हो चुका है और 5,000 रुपए का नोट बाजार ले जाएं तो आपको एक हफ्ते की सब्जी और गोश्त भी नहीं मिलता। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बिल्कुल उसी तरीके से अब एक बार फिर या तो सूट केसों के जरिए या फिर किसी और तरीके से पाकिस्तान से डॉलर को रुख्सत किया जा रहा है, और ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत का पुराना वतीरा है कि आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी की जाएं। इमरान खान जब इक्तदार में आए तो उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हाल थी, और जब इमरान खान गए तो उस वक्त पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर $24 अरब भी मौजूद थे और पाकिस्तान की इकॉनमी भी ग्रो कर रही थी। लेकिन इस इम्पोर्टेड सरकार को जिस तरह रेजिम चेंज ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने महंगाई में इजाफा किया और पाकिस्तान के मुल्की खजाने को किस तरह दोनों हाथों से लूटते हुए जाया किया, और अब पाकिस्तान $2 अरब के लिए IMF के सामने नाक रगड़ रहा है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आओ जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।